जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं पुदीने के 10 चमत्कारी गुणों के बारे में। लेकिन इससे पहले, अगर आपने हमारे YouTube चैनल स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी भरपूर लाभ मिल सके। पुदीने का प्रयोग विभिन्न सब्जियों और चटनी बनाने में किया जाता है। इसमें अनेक लवण पाए जाते हैं जो शरीर को चुस्ती फुर्ती प्रदान करते हैं। यह हमारे शरीर में पाए जाने वाले हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। गर्मी के दिनों में पुदीने से बनाए गए शरबत हमें लू से बचाता है। पुदीने के रस में जरा सा काला नमक और शक्कर मिलाकर पीने से शरीर में नई ऊर्जा प्राप्त होती है। रात्रि काल में पुदीने के 2-4 पत्तियां चबाकर पानी पी ले, पेट के कीड़े से छुटकारा मिल जाएगा। पुदीना, लहसुन, नमक और अदरक की चटनी पीसकर भोजन के साथ खाएं। भूख भी खुलकर लगेगी और अपच की समस्या भी दूर हो जाएगी। सलाद के रूप में पुदीने की पत्तियों का सेवन करने से हड्डियां मजबूत होती हैं तथा कोलेस्ट्रॉल कम होता है। पुदीना, काला नमक और काले मिर्च का काढ़ा बनाकर पीने से खांसी, जुकाम और बुखार में काफ़ी लाभ होता है। थोड़े से पुदीने के रस में नमक और पानी मिलाकर गर्म करें। इसके द्वारा गरारे और कुल्ला करने से आवाज़ साफ होती है। एक बड़ा चम्मच दही और आधा चम्मच ओटमील को बड़े चम्मच पीसे हुए पुदीने की चटनी में मिलाएं। चेहरे पर 10 मिनट लगाकर धो लें। ऑयली स्किन की समस्या दूर हो जाएगी। पुदीने की 2 पत्तियां चबाकर खाने या पुदीने का रस पीने से हिचकियां आने बंद हो जाती है। पुदीने की पत्तियों को पीसकर घाव तथा चोट पर लगाएं, शीघ्र ही लाभ अनुभव होगा। पुदीने के रस में जरा सा पानी मिलाकर लगाने से विभिन्न प्रकार के चर्म रोग दूर हो जाते हैं। हमारे द्वारा बताए गए सारे प्रयोग आयुर्वेद के अनुसार और अजमाए हुए होते हैं। आप भी इसका लाभ उठाकर स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं।